अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज हम आपके साथ फिर सुबह का रूटीन शेयर कर रहे हैं। आलिया स्कूल जा चुकी हैं और बस हमने सोचा ये बलाई रखी हुई थी तो इससे मक्खन निकाल लिया जाए। तो आजकल ठंड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है मक्खन निकालने में, तो इसका एक टिप या ट्रिक जो भी कह दें, थोड़ी देर इसे आग पे रख के गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसे ब्लेंड करिए, तो ये बहुत जल्दी से निकल आता है। ये आपको हमने बताया था कि 2 साल के बाद स्कूल रीओपन हुए हैं। कोविड की वजह से सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था। अब फिर से स्कूल खुल गए हैं, सारी चीज़ें फिर से रूटीन में आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फिर से हम वापस अपनी रूटीन में आ जाएं। तो इधर हमारा ये घी पक गया है और इसमें नीचे जिसे हम मैहर कहते हैं, जो बच जाता है, वो बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं और जो इसका नीचे का बचा हुआ है इसे बच्चे शुगर डाल के खाना पसंद करते हैं। लगा। ओ वाह, कितनी टेस्टी है, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। क्या कर रही हो तुम लोग? माँ जो महेर निकली है ना, उसमें चीनी डाल के खा रहे हैं। हाँ अच्छी है, डाल लो अच्छा आएगा। आप क्या, आप लोग ने कभी ऐसा खाया है? हाँ हम ही ने तो खाना बताया और हमसे पूछ रही हो आपने खाया है। नहीं, हम व्यूवर्स से पूछ रहे हैं। अच्छा, दादी को वैसे बहुत इसकी, पसंद था ना? अच्छा हाँ दादी को बहुत पसंद था। वैसे इसकी सब्जी भी बनती है, पर ये ज्यादा मजा आता है। आज अच्छा भी है, इसमें खटास भी बिल्कुल नहीं है। आलिया को मत दिखाना, नहीं फिनिश कर देगी भाई। नहीं यही तो खानी है मम्मी, आप तो नहीं, अब भी मुझे भी खिला दो एक बाइट। ठीक है, अच्छा है, मस्त, बहुत अच्छी है। तो आज हम आपको पेशावरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे रहे हैं। इसे बनाने के लिए हमने घी और कुकिंग ऑयल दोनों एक साथ ऐड करके गरम किया है। फिर उसमें एक दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज पत्ता ऐड किया। अच्छे से खुशबू आने लगे उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देना है। अच्छा हाँ, इस रेसिपी को आप कोशिश करिएगा इस तरह से आयरन की कढ़ाई में ही बनाइए। अब चिकन जब अच्छे से कलर चेंज कर दे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और नमक ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसे इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है। बड़े हैं तो 3 ले लीजिए, छोटे हैं तो 5 से 6 ले लीजिए। बस इसे इस तरह से इसमें असेंबल कर देना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसे इस तरह से इसमें असेंबल करना है। फ्लेम मीडियम कवर कर दीजिए। यहाँ हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें जीरा, सौंफ और खड़ी धनिया है। ये मसाला बना करके हमें अभी रख लेना है। थोड़ी देर के बाद आप लिड हटाएंगे तो देखेंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसका ऊपर का जो स्किन है उसे रिमूव कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत कसर है तो एक बार लिड फिर से लगा दीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। देखिए टमाटर अच्छे से मिल गया है। अब बारी है इसमें दही ऐड करने की। तो ये इस जैसे चिकन के लिए हमने 2 चम्मच भर के दही ऐड की है, यानी इसकी जो भी ग्रेवी बनेगी इस दही और टमाटर से बनेगी, इसमें कोई भी प्याज नहीं जाती है। अब दही मिला करके इसे फिर से अच्छे से भूनना है और फिर से इसे स्लो फ्लेम पर ढक दीजिए, चिकन टेंडर हो जाए। ये देखिए चिकन हमारा टेंडर हो गया है। अब इसमें थोड़े से पाउडर्ड मसाले डालेंगे, तो अच्छे से कलर के लिए इसमें हल्दी ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास कुटी मिर्च है तो वो डाल दीजिए, और फिर जो हमने पाउडर्ड मसाला बनाया था उसे ऐड कर देंगे। ये इस मसाले को ऐड करने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। अब इसे भूनने की फिर से बारी है। इसे अच्छे से फिर से भून करके ढक देंगे थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे, यानी दम देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार पेशावरी चिकन कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये कढ़ाई जो आप बनाइएगा, अभी हमने आपको बताया था, इसे आयरन की कढ़ाई में ही बनाइएगा, तभी इसका
असली टेस्ट आएगा। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और जूलियन कट जिंजर से। आप चाहिए तो थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर दीजिए। तो बस ये फटाफट हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर भी करिएगा। दुआओं में याद रखिए।